हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होगे। तो दोस्तों, आज जा रहे हैं हम चक्की मोड़ और वहां पर हो रहा है संकुल सम्मेलन। क्या होता है संकुल सम्मेलन, आपको दिखाएंगे पूरा ब्लॉग। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। परिचय की जो प्रक्रिया है उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, तब तक विकास, किसी भी क्षेत्र के विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे आदिवासी बुक्सा जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों के जो ग्राम हैं, उन ग्रामों से पहुंचे हुए जो बच्चे हैं यहाँ पर, हो सकता है संबंधों के जरिए उनका परिचय, जो हमारे आपसी रिश्ते होते हैं, जो हमारे आपसी संबंध होते हैं, उन संबंधों के जरिए बेशक हम एक दूसरे को ना जान पाए, लेकिन जब जब वनवासी कल्याण आश्रम या सेवा प्रकल्प संस्थान के द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, हमारे बच्चों को एक दूसरे को जानने का अवसर प्राप्त होता है, उनके व्यक्तित्व को जब पहचानने का अवसर हमें प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, जिस दौरान भारत माता विदेशी आक्रांताओं के दमनकारी आक्रमण का सामना कर रही थी, हमारी जो भारत माता की कोख से जन्मे हुए जो भारतीय भाई बहन थे, उनके समक्ष बहुत विकट परिस्थितियां उपस्थित थी। उस वक्त जो है अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अनेकों लोगों ने विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हुए, विभिन्न प्रकार के दमन को सहते हुए अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जंगलों में शरण ली। जंगलों में शरण ली, कालावधि के बीतने के बाद, एक दीर्घ कालावधि, एक लंबे समय के बीतने के पश्चात वही व्यक्ति जो है आदिवासी वनवासी कहलाए। उससे पूर्व जब हम आपका रामायण काल की तरफ आते हैं, जब हम महाभारत काल की तरफ आते हैं, हम सब लोग जानते हैं आज हम जिस पवित्र स्थान पर इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जिस पवित्र स्थान पर हम इस कार्यक्रम को आपका चला रहे हैं, ये जो आपका कहती है, जब सभी बच्चे पढ़ने आते हैं तो अब सभी बच्चों को पता भी लग गया कि हमारे जो बालाजी देश पांडे हैं उनका जीवन परिचय कैसा था। तो ऐसे ही अपने मन में ये भाव लेकर हमें भी चलना है कि ज्यादा ना कुछ कर सके तो अपने देश का नाम तो रोशन कर ही दें, ऐसा प्रत्येक बच्चे के मन में ये भाव होना चाहिए। तो अभी हम बच्चे हैं, जितना हम सीखेंगे कल के दिन हमें उतना ही काम आएगा। तो जो हमारी संचालिका बहन सिखा रही है आप लोगों को, उसे मन से सीखना है। बहुत आभार भाई साहब का, और मैं अब निवेदन करूंगी श्रीमान राकेश भाई साहब जी से
कि दो शब्द कहकर आप भी हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता की जय। उसकी आ रही है ना, जोर से बोलिए, भारत माता की जय। राजा जगतदेव की जय। राजा जगतदेव की जय। बहुत बढ़िया। तो यहाँ उपस्थित विभिन्न विभिन्न गांव से आए हुए नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैंने बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि आप लोगों ने सम्मेलन है, आप लोगों के कार्यक्रम होंगे। गुरु जी ने, श्रीमान बाबू सिंह तोमर जी ने सब कुछ हमको बताया कि भगवान राम जब वनवास में गए थे 14 वर्ष के लिए, तो वहां भी उनके साथ कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं था, वहां भी उनके साथ अगर कोई था तो हमारे समाज के लोग थे, आदिवासी समाज के लोग थे, जनजाति समाज के लोग थे, वही वो समाज जो बनों में निवास करता था वो उनके साथ खड़ा था। और जब वापस भी आए तो वहां पर भी धूम धाम से अगर कोई समाज उनकी तैयारियों में लगा था वो भी हमारा ही समाज था। तो ऐसे हमारे समाज ने अपनी भूमिका निभाई है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग अग्रणीय रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 9 जुलाई को बनवासी कल्याण आश्रम सेवा प्रकोप संस्थान के बैनर तले हमको एक कार्यक्रम करने का मौका मिला, और उस कार्यक्रम में मैंने भी अपनी मुझे भी अपनी भूमिका निभाने का मौका मिला, जितना हमसे कहा गया हमने उतना किया। और आप सब लोगों ने पूरी भरपूर मेहनत करी, तो आप सब लोगों ने उस कार्यक्रम को सफल बनाया। एक बार तो आप सब लोगों को अपने उस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई, एक बार ताली बजाएं उस कार्यक्रम के लिए। ऐसा कार्यक्रम जिसकी चर्चाएं आज तक अपने ही समाज में अभी तो दूसरा समाज भी आज तक करता है, कि ऐसा वर्ग जिसके 4-5 लोग नहीं, मतलब 4-5 लोग शिक्षित खड़े करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं अगर 10-20 लोगों की बैठक करानी हो, उस समाज के पढ़े लिखे वर्ग, यानी हमारा वो समाज जिनको अन्य समाज आज भी स्वीकार करने से डरता है, उस कार्यक्रम के माध्यम से हमने दिखाया कर उस कार्यक्रम में जो संख्यात्मक हम लोग पहुंचे, बहुतायत संख्या में हम लोग पहुंचे, कि अन्य समाज भी हमारे उस कार्यक्रम का लोहा मानता है। वो वर्ग 14 वर्ष, 18 वर्ष से 30 वर्ष का एक वो पढ़ा लिखा वर्ग उस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ, उस कार्यक्रम को सफल किया, जिसके कार्यक्रम का डंका आज तक बज रहा है, अन्य समाज लोहा मान रहा है कि आज कहीं ना कहीं यह समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। यह बहुपुक्षा जनजाति का समाज नहीं रहा सीधा साधा, कि बाहर से लोग आते थे और हमारा फायदा उठा के, हमारे भोले मन का सीधे मन का फायदा उठा के और हमारा फायदा उठा लिया। आज हम ओढ़ना बिछाना पहनना, समाज में कैसे हमको जीवन जीना है, हम उस समाज की 21वीं सदी की मुख्य धारा से आज जुड़ चुके हैं। अच्छा लग रहा है हमको देखकर। जितनी बड़ी आपकी आयु है, मेरी आयु बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है बच्चों को देखकर, जितने बड़े ये बच्चे बैठे हैं, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर बैठे हैं, इतनी उम्र में तो गुरु जी हम ठीक से कपड़े भी नहीं पहनाते थे हमारे माता पिता, स्तर भी ऐसा नहीं था और जानकारी भी नहीं थी, जैसे आज सुंदर सुंदर वस्त्रों में अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन के यहाँ बच्चे बैठे हैं। तो आज हम उस समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, आज हम किसी से पीछे नहीं है। तो बच्चों, मैंने बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, गुरु जी ने बहुत कुछ विस्तार से हमको बताया कि कैसे क्यों बाला साहब देशमुख जी की फोटो स्कूलों में लगाई जाती है, कैसे भगवान राम के साथ हमारा इतिहास रहा है। तो हमारे इतिहास को भी गुरु जी ने बताया, इतिहास की मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं है क्योंकि इतिहास विषय मेरे खुद के पढ़ने में मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने अपने सब्जेक्ट में भी नहीं रखा था वो इतिहास का विषय, लेकिन आप लोग रखना, बहुत अच्छा विषय है, अपने इतिहास की हमको जानकारी होनी चाहिए। हम तो अपना इतिहास अमर सिंह जी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीखते हैं कहीं ना कहीं, या गुरु जी के द्वारा लिखी गई चीजें या उनके आंदोलनों को हम लोग देखकर, एक बहुत बड़ी फाइल है गुरु जी की पीडीएफ जो मुझे भेज रखी है, उनसे देखते हैं कि भाई हमारा समाज किन किन समस्याओं से जूझता है, किन किन समस्याओं से आज तक जूझता आया है और आज हम कहाँ पहुंचे, हमारा स्तर क्या है। तो ऐसी इन चीजों से देखकर हम लोग भी सीखते हैं, आगे भी सीखेंगे। और आप लोगों से मेरा निवेदन प्यारे बच्चों, कि आप लोग भी जैसे हमारे समाज में जो लोग नौकरी में लगे हैं ये अपना काम कर रहे हैं, यानी स्किल डेवलपमेंट, कितना पढ़ाया कितना सिखाया, पढ़ाना तो क्या सिखाना है, संस्कार पढ़ते तो विद्यालय में है, थोड़ा बहुत रिवीजन कराती है, बाकी जो संस्कार है खेल उसकी आप सबको सिखाती है, उसका यहाँ पे आज एक तरह से तुम्हारा एक परीक्षा है, तो सब पता लग जाता है किस केंद्र में कितना सीखा। जैसे बाला साहब देश पांडे के बारे में हमारे बाबू सिंह ने बताया, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के, आजकल लोग नौकरी ढूंढते हैं, उन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी, उन्होंने हमारी परिस्थितियों को देखा, आदिवासियों की जो जंगलों में वनों में पहाड़ों में रहते थे,
तो उनकी कठिनाइयों का देख कर तब हमारे लिए काम करने के लिए लगे हुए वो, और उन्होंने इस बनवासी कल्याण आश्रम का गठन किया। उसके माध्यम से आज ये केंद्र चल रहे हैं जिसके तहत शिक्षा और अपना आर्थिक विकास और चिकित्सा और खेल उन पे हम जो है ये संस्था काम करती है उसकी तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। अब बच्चों के पास जो पीढ़ी बिगड़ चुकी है उसे तो हम नहीं सुधार सकते, ना बाबू सिंह तोमर सुधार सकते, ना राकेश जी। आप लोग हैं अभी, आपका मन है कहीं को भी मोड़ दूंगा, आपको कैसी दिशा मिलेगी वहीं को आपका मन मोड़ेगा। तो क्यों ना आपके मन को एक अच्छी तरह को मोड़ा जाए, इसी के तहत इस काम को हम कर रहे हैं और उस पर लगे हुए हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि एक से एक अच्छी चीज निकल के आए यहाँ पे, और हमें भी लगे कि हाँ हमारी संचालिका बहने अच्छा कर रही हैं। और इतनी मैं आपको जो है कहूँगा, सभी अपनी अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी तरीके से करें, जैसा सिखाया है उससे भी और अच्छा करें। और ये कार्यक्रम संकुल सम्मेलन हर 3 महीने में हुआ करेंगे, अब आने वाले समय में हर 3 महीने में। तो मैं जाते तक कहते हुए, मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया तो इस खंड का बहुत बहुत धन्यवाद। संकुल 2 बहनों में है जी, कविता मटकोटा, कविता चंदन और क्रांति मटकोटा। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा कोपा बसंता से दीपा बहन के बच्चे, वो आगे आए संचालिका। बहुत अच्छे ज्योति।
सरस्वती वंदना। जो इस संकुल सम्मेलन में जो सेकंड थर्ड आए हैं वो थर्ड गोपालाल सिंह से मधु के बच्चे हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपना प्राइज सभी बच्चे लेने का आगे आइए। सभी मेरा मुख्य अतिथि से निवेदन है कि वो सभी को एक एक पेंसिल देंगे उनको पूरा प्रकाशित करें। बहुत अच्छा लगा वो अपने बच्चों को शीघ्र स्टेट में लाने की कृपा करें। सभी बच्चे पूजा में हैं। पंजाब से सेकंड सभी को सभी समय भी बहुत कम है। बहुत अच्छा आपके लिए फर्स्ट प्राइज जो पाया है वो मधुपुरी से राधिका है संकुल मटकोटा। तीनों बहनों को